चार लाइन भूमिका बा। शुरुआत कभी कैलो न कैसे अंतर होना चाहिए। धन बढ़ी कामे आई लेकिन मन बढ़ी लात जूता खियाई। ए भैया हो बिरहा में एक लाइन गजल के अंदाज हो कोई आशी कहे अरे कहाँ पे काशी में आखिर का है अरे नारी ने नो ओ नारी ने नो कि चंचल काटा बाकुरो को दे पानी गिरा बाकुरो को दे पानी नारी नैनों की चंचल कटारी बाकुरों को बेपानी किया है क्या करेंगे करिश्मा विधाता जो जवानी करिश्मा किया है जवानी जिकरे तोरे बड़े बड़े ऋषि महात्मा बड़े बड़े संत महापुरुष डगमगा गए कंठी डगरा गए कंठी डगरा गए जवानी कोनो हल्का में लेवे का चीज ना हो जवानी बहुत भारी चीज है गिरी तो उठबो ना कर ए भैया हो ईरान का रहे वाला रुस्तम पहलवान जब आई टाटस देश में तहनीमा नाम के लड़की से प्यार भइल नैना चार भई चोरी चुप्पे दोनों का मुलाकात शुरू हो एक दूसरे से मिलत हो एक दिनवा ईरान जाए के रुस्तम पहलवान तैयारी कैला हो तहनीमा सामने खड़ी है चार लाइन जौहरी लिखल गई
उसे चढ़ाना। भोला यादव और बल्ली यादव जी, एक जेएसबी के ड्राइवर हैं और एक स्पोर्ट के ड्राइवर हैं, इनोवा स्पोर्ट। बहुत बहुत बोलगी, स्टेरिंग बनो रहे, पीर बाबा की कृपा भी बनो रहे, गिरीश चक चक रहे। ए भैया हो, तहनीमा रुस्तम पहलवान से कहे कि हम माई बने वाला बानी रहुआ जाता नहीं। रुस्तम पहलवान तहनीमा के समझावो तरन पागल बाड़ू, कोनो दिक्कत नहीं थे हमरे इला गैला से का लेवे देवे के बाद। बेटा हुई पहलवान बनावल जी, बेटी हुई सयान को के डोली में बैठा के विदा कर जाइए। हथवा पर एगो तामा का ताबीज रखलन, रुस्तम पहलवान ईरान चल गयलन। तहनीमा अंगुरी पर दिन गिनत बा, नौवा महीना बीतल, सुंदर बेटा का जन्म भइल बा। ए भैया, जब बेटा का जन्म भइल हो तो तहनीमा के मनवा में लालच समा गई। माई बा तो माई के अपने औलाद बदे लालच होले, प्यार होला, मोहब्बत होला। माई सोचे लागल, रुस्तम पहलवान जनिहन की बेटा भइल बा तो हमसे हमर बेटा छीन ले जाइह। एगो पाती लिख के काहे न हम भेजवा दई, कह दई कि बेटी भइल बा। तहनीमा लेके गोद में लाल के बैठल बाड़ी, सादा कागज हाथ में पेन, चिट्ठी लिखत अड़ी वो रुस्तम पहलवान के। गीत बड़ी रंगदार है मास्टर। भौजाई कहले रहल, ना पूछो कि मैं न जाने कबनी खोट खोट खिलावे लागल बदरा बारिश भी नदी काली हो गई। रुस्तम के के जन्म तो दिहला जरूर है भैया हो। गोदिया में लेके
ये काम बड़ी बाउर गोदिया में लेके लाल के खेलावो ताड़ी बोलावो ताड़ी चिट्ठी लिखले बाड़ी बेटी भइल बा रुस्तम पहलवान पौलन चिट्ठिया खोल के पढ़त हवन बेटी भइल बा सोचत अरुण मौका मिली चलो चल के बेटी के देख ईरान का रुस्तम पहलवान ईराने में हवन ए हर तहनीमा बेटा का पालन पोषण करत बा रात दिन बीते बेटा धीरे धीरे सयान होके लागल जवान होके लागल यानी कहला के मतलब कि एक दिन ऐसा समय आई बा कि रुस्तम पहलवान और तहनीमा का जो प्यार का निशानी बेटा पैदा भइल बा वो बेटा एक नामी पहलवान हो गए बड़ी प्यार से माई ओकर नाम रखले बिया सुहराब जहाँ जाए जो ने अखाड़े में सुहराब पहलवान का नाम का ताली बजे माई का बड़ा करेजा गदगद बा दिल गदगद बा मन मिजाज खुश बा कि हमार बेटा पहलवान हो गई कहल जला कि वीर का बेटा वीर बहादुर वीर का बेटा वीर बहादुर पहलवान सुहराब बना तार प्रदेश का नामी जोधा सेना में जबाज बना उधर ईरानी सेना का रुस्तम नाहर हमरा ही था वीर बलि बजरंग बलि सा पक्का शेर सिपाही था सरहद खातिर जूझ गए ईरान टाटस जंगी बन अरे कुश्ती होगी ललकारा सुहराब वीर रंगी बन हर कल मानेला लेकिन पर कल ना मानेला धीरे धीरे 10 बरिस बीतल ह 15 बरिस बीतल ह रुस्तम पहलवान ईरान से पुनः टार्टस देश में चढ़ाई कैलन आज अब टार्टस देश में चढ़ाई कैलन है भैया तो लगल ललकारे कोई है वीर जो हाथ मिलाएगा है वीर जो अखाड़े में हमको पछाड़ेगा अखाड़ा खना गई टार्टस देश में ईरान से वह नामी पहलवान रुस्तम के अखाड़े में उतर गई सुहराब चलल हुन टार्टस देश का सम्मान बचावे खातिर ब्याह में भाव है कैसे अरे जवानी खूनी खंजरी पर चढ़ी वीर को पहचान या तो मारी या तो मरी रणभूमि में जाए से पहले बीरू होला के सोचे कि या तो मारो या तो मराई बीरू ना होला गैले से पहले सोचे कि मरा जाए का जो डरा सो मरा जो डरा सो मरा पीठ दिखा के ना भागी भगौड़ा जो रही तो पीठ के जगह मार ले दूला हम चली घरे हम के छोड़ दे कहो भाई अरे जवानी खूनी खंजर पर चढ़ी तो कुश्ती करी फैसला के कर कितना कुश्ती करी फैसला के कर कितना पानी जवानी खूनी खंजर पर चढ़ी रुस्तम पहलवान सामने अखाड़े में खड़ा हुआ सुहराब पहलवान भी अखाड़े में उतर गया हाथ मिला करके सुहराब पहलवान रुस्तम पहलवान से कहे आज आर पार का लड़ाई हुई देखल जाए के कर कितना जोर है देखल जाए कि के पछाड़ा था भैया हो एक दूसरे से दोनों पहलवान जब हाथ मिलल हा यहाँ गीत अमर स्वर्गी बेचन गुरु का जवानी वाली लगल है Oh,
करी बेगारी हाथ ना बिगारी, हाथ मत बिगाड़ा जाए। रुस्तम पहलवान सोहराब पहलवान के समझावत हुन कैसे, अरे ढोलली उमरी अगर जब रुस्तम पहलवान मारे जाना साली भले ही मारे जाना साली भले ही चले अरे कबला रुस्तम पहलवान मर जाई लेकिन ईरान का सम्मान ना जाए दे। बुढ़ारी आई वाले लेकिन अपन कला नहीं की भुलाई, बोल हमार नहीं के घटन दे के चाम भले झुल गई बा। आप अभी जवान हुआ नया खून है, बात माना या खाड़े से चल जा, माई बाबू को ही पछताए लगी हम, रोवे लगी हम, आज ले हमें कोई पछाड़ल ना, ऐसे हमके लगत हो कि तू हूं ना पछाड़ पई बा। मिलौला हाथ सोहराब रुस्तम पहलवान के लगल अपनी ओर खींचे, आज अब रुस्तम पहलवान के खींचे लगल तो भाव निकल गई, अरे दिहला सोहराब नामी बोले रुस्तम के झुकाई खड़े बीच में दोनों पहलवान लड़त हुए, सोहराब पहलवान रुस्तम पहलवान के जब अपने ओर के चलो, रुस्तम पहलवान के अंदाजा लग गई सोहराब के बल को, देखे में लड़का बा लेकिन बली बा, जांगर बा, ताकत बा, सावधानी बरते के होई, एक दूसरे पर दोनों वीर भारी हुई। अखाड़े में ना ही तो रुस्तम पटकैलो ना तो सोहराब पटकैलो, कुश्ती का समय समाप्त हो गई, एक एक भाला दोनों वीरन के दिहल गई, बतावल गई अब भाला बाजी का कुश्ती होई, केकर जान जाई इके हो लेके जाना, एक एक भाला लेकर के दोनों पहलवान अखाड़े में उतर गई लन, आल्हा का भाव दिहल गई।
सादर पुरस्कार हरिंदर चौधरी जी कई बार का ये पुरस्कार है। फेफना विधानसभा के पावन पुनीत सरजमी से बहुत बहुत हो लगी सबके पो लगी आशीर्वाद की इच्छा हो। एक एक भाला दोनों वीर ले करके एक दूसरे का मुंह ताकत हो। रुस्तम पहलवान ललकार के चलल हो सोहराब से कहत हम जे वीर है हमार नाम रुस्तम आज लेके हूं ना पछाड़ल भाला बाजी के कुश्ती हुई जे मैं एक वीर के मरे के हुई। बेटा बहन तू जवान हुआ माई बाबू पछताए लगे बात मान के हमारा अखाड़े से बाहर हो जा। रुस्तम नाम सुन करके सोहराब की आंख में आंसू आ गए। नीचे ऊपर ताकत बाकी कोई है तो हमारे बाबूजी नहीं खन माई बतावे ले कि हम जेकर खून बानी जेकर नसीब चोखबे उहे नहीं सन बाप के बेटा हुई। अगर ये हमारे बाबू हो तो एक बार उनका गले लगी ओकरे बाद हम कुश्ती कर जाइए होनी अनहोनी हो जाई हम मराई कि बाबू मरे है के जानत बा। बाबू के एक बार गले लगावल चाहत बा आंख में आंसू पूछ रहल बा कि आप रुस्तम हुआ सोहराब पहलवान पूछत बा या रुस्तम पहलवान मौका तलाश करत बा। कम मौका मिलत मार के अखाड़े में गिरा देती ए भैया हो समर बीच में या खाड़े में जब लाठी चले तो लाठी चलौली गोली चले तो गोली चलौली कहला के मतलब कीट के जवाब पत्थर से दहले ना कि तो है गोजी लेके दौड़ाव तू कह हाथ मिलाव राम 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 सीता राम तो मारी तो और पक दे कपार फट गई कपत गिर जी बा मत मारा लेकिन अपन सावधानी बरते के चाहिए। रुस्तम पहलवान जान से मारे को मौका खोजत हो आ सोहराब सोचत था कि एक बार गले लगा लेती हमारे बाबूजी हो धोखे की मार हो गई है भैया हो। रुस्तम पहलवान सोहराब पहलवान के दाव मरल अखाड़े में चारों खाओ जीत गिर गई हाथ का भला छुटल फेंका गई अखाड़े में निहत्था सोहराब के ऊपर सवार रुस्तम पहलवान हाथ का भाला लेकर के भाला का प्रहार करे लगल गिरा हुआ है सोहराब पहलवान दो चार दस लोग आके जबरी पकड़ के रुस्तम पहलवान के अखाड़े से बाहर कैल लोग कहे अरे भैया यहाँ तो धोखा कबार हो गई बहन तो वीर लड़े का मूड में ना रह अब तो सोहराब तैयार भी ना रह लगे घायल सोहराब खड़ा होता है शरीर गर्म चेहरे पे मुस्कान है आंख में आंसू और सीने में दर्द। रुस्तम पहलवान के ललकार के एगो बात के आखिरी भाव में कहा कि अगर हमें मार गिरा दहलस तो हमर बाबू ना हो सकेला। बाबू का नाम राशि यानी हमार दुश्मन तनी सा चूक का भइल कि हमें अखाड़े में मार गिरूलस जा रहे हो जाओ लेकिन हमारे बाबू से बच के रहना कहीं भी रहना जियल हराम हो जाई। घायल सोहराब ललकारत बा आ रुस्तम पहलवान हसत बा आकर के अखाड़े में पुनः खड़ा हुआ मरने वाला तो अनाप शनाप बकता ही है। मैं कब से ही कह रहा हूँ कि ईरान का नामी पहलवान रुस्तम मैं हूँ और तू कह रहा है कि तेरा बाप रुस्तम है। चल मानता हूँ कि तेरा बाप रुस्तम है तो माँ का भी परिचय बता दे नाम बता दे कि वह कौन माँ है जो तेरे जैसे बहादुर को जन्म दी है। घायल सोहराब रुस्तम पहलवान से कहे मैं उस वीरांगना का बेटा हूँ
जिसका नाम तहनीमा बताया जाता है। रहने वाला मैं टार्टस देश का हूँ। मैये बतौले रहा कि हम जर अंश हई ओकर नाम रुस्तम हो। यही ले नाम सुन के तनी हम चुक गईली और तुम मौका का फायदा उठा ले ला। ए भैया हो जबे तनी बात रुस्तम पहलवान सुनलन, नजर गईल दाहिने माजू पर देखत वन करिया कपड़ा बदल ह, तोड़ करके करिया कपड़ा हाथ में ले करके खोलत हुन, तामा का ताबीज बा लिखल बा, वही तामा का ताबीज पर रुस्तम पहलवान कबो ताबीज निहारे कबो खायल सोहराब के निहारे, रुस्तम पहलवान थपक के रोवे लगलन। जितना लोग जात बजा करके सवाल करे काहे रोवत अड़ा, दुश्मन के मार के जब गिरा दिहला, अब रोवला के का मतलब बा, वजह का हम जान सकत है। लोगन के बतावे रुस्तम पहलवान कि हम जेके गोद में लेके रोवत बानी वो कोई दुश्मन ना हो। के हो खुल गई भेद, रुस्तम रोवे बिलखाई और अपनी आदत अली अपनी बेटा के मुआ। कि दुश्मन ना ही हमारा अपन बेटा है। लोग मजा लेत बा कैसन बतावत बड़ा, ये पुरानी कहानी है। इसी टार्टस देश में आया था और तहनीमा नाम की लड़की से प्यार हुआ था। प्यार भइल लेना चार भइल जोरी छुपे हमहन मिली, हमहन दोनों तहनीमा और रुस्तम का प्यार सोहराब के रूप में अवतरित भइल। लेकिन आज अपने ही हाथ लेकर अंत कर देली, जवन गलती हम कैली वो गलती तू लोग मत दोहरैया, जोश में आके कबो होश मत गवैया, जैसे आज बेटा गोद में लेके रोवत बानी कल तू लोगन के अपन बेटा अपन भाई लेके रोवे के पड़ जाइए। कहत बड़न ये सादर पुरस्कार आपके ओर से चंदन में पोलगी। खुल गई भेद, रुस्तम रोवे बिलखाई अपनी आंखे दियली अपनी बेटा के मुआ। गोद में बेटा के ले जाई चाहत मन की इलाज कराई बेटा बच जाए, लेकिन आखिरी इच्छा बेटा की यही है। अब चिन्हबो कैला तो हमारे पास समय ना, अब जो चिन्ह गईला कि हम बाहर बेटा हैं तो हमारे लगे समय ना हो, जब हम तो के चिन्हली तो तुहरे लगे समय ना रहल, अगर तुहरे लगे समय रहत तो शायद ये स्थिति में हम ना होती। एगो वादा करो, मर गईली तो माई से मत बताई हो। माई सोच के मंजूर कर ली बर्दाश्त कर ली कि उकर बेटा नलायक रल कहीं भाग गई, लेकिन ये जानी कि उकर बेटा मारल गई तो माई बिना कहे मर जाई। माई से कबो मत बताई हा, और एक बार जाके हमारे माई से मिल ली हा। उठा के गोद में लेके रुस्तम पहलवान चलल वन इलाज करावे, लेकिन सोहराब रुस्तम पहलवान के गोद में दम को तोड़ दिया। बेटा का अंतिम क्रिया करते हुए रुस्तम पहलवान चलल हुन तहनीमा से मिले खातिर, दुवरिया पर खड़ा हो देख के तहनीमा घबरा गई, बुझाता कि जान गेलन कि बेटा भइल बा, बेटा आज हमार चल जाइ लेके चल जाइ हम। घबराई लाई घरवा में से, ए साहब बेटी न भइल हल, सयान बिटिया हो गइल हली, घर भर देख के बेटी के डोली में बैठा के विदा कर दे हली। बड़ी सुखी परिवार मिलल बा, बड़ी संस्कारी परिवार हो। रुस्तम पहलवान रोवत अरन आ तहनीमा के ओर ताकत हुन बारे तहनीमा।
तू कल भी झूठी थी और आज भी झूठी है। तहनीमा पूछे काहे रोवतानी, बेटी भइल वे खाती रुस्तम पहलवान कलन की ना, ये खाती कि हमरा तहरा प्यार का निशानी बेटा भइल है। झूठ बोललू चिट्ठिया में लिखलू बेटी भइल वे, तुहार एगो झूठ हमार घमंड हमसे हमार बेटा छीन लेलस। अपने बेटा के अपने हाथ से मार के बेटा का अंतिम क्रिया को के आवत बानी। एक तरफ तहनीमा पश्चात बा, दूसरी तरफ सोहराब कह जला कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई। समय रहते अगर इंसान अपन गलती समझ ले तो जीवन भर पछताए के ना पड़ी, आना ही तो जोश में आके जब होश गवा दे जिंदगी भर, तो जिंदगी भर पछताए के तो समय गूंगा नहीं मौन है। पता नहीं समय गूंगा नहीं मौन है, वक्त बताएगा कि किसका कौन है कौन है। जोश में आके कब होश गवावे के ना चाहिए भैया, आखिरी भाव कैसे।